नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्राइड हिज बेस्ट टू एस्टेब्लिश पीस इन पूर्वी भारत। म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादियों के घुसने की खुफिया सूचना के बाद मणिपुर अलर्ट पर कुकी संगठन ने इसे दुष्प्रचार बताया। यदि ये दुष्प्रचार है तो ये ड्रोन से हमले हो रहे हैं और लोगों की मौत कैसे हो रही है? सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा कि सुरक्षा बल ड्रोन और रॉकेट सिस्टम के परिवहन पर नज़र रखे हुए हैं। कुकी छात्र संघ ने आरोप लगाया कि सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस दबाव में की गई थी। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर सरकार केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर भारत म्यांमार सीमा पर 900 कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जैसा कि इनपुट से पता चलता है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सचिवालय के दरबार हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि रणनीतिक क्षेत्रों में राज्य और केंद्रीय सुरक्षा के संयुक्त बलों को सतर्क कर दिया गया है। यह स्वीकार करते हुए कि राज्य में हिंसा में वृद्धि हुई है और साथ ही कानून और व्यवस्था के इर्द गिर्द घटनाएं भी हुई हैं, सिंह ने उभरते संघर्ष परिदृश्य में सशस्त्र समूहों द्वारा ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल आधारित प्रणालियों के उपयोग की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर को रणनीतिक संचालक समूह SOG की बैठक में इस समस्या से निपटने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय और राज्य सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में सिंह ने की। सिंह ने कहा, पिछले 3-4 दिनों से ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि 900 कुकी उग्रवादी 28 सितंबर के आसपास हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने सोचा कि यह समझदारी होगी कि किए गए प्रयासों को जनता के साथ साझा किया जाना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा न टूटे और लोग सुरक्षित महसूस करें। मंगलवार को मुख्यमंत्री के सचिव एन जियोफ्रे का मणिपुर के पुलिस महानिर्देशक, सुरक्षा सलाहकार और गृह आयुक्त को संबोधित एक पत्र सोशल मीडिया पर सामने आया। दी प्रिंट द्वारा देखी गई इस पत्र की एक प्रति में उल्लेख किया गया है कि 900 से अधिक कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ की रिपोर्ट मिली है, जिन्हें हाल ही में ड्रोन आधारित बम, प्रोजेक्टाइल, मिसाइल और जंगल युद्ध के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया है, जो म्यांमार से मणिपुर में घुस आए हैं। पत्र में कहा गया है कि 30-30 सदस्यों की इकाइयों में समूहबद्ध आतंकवादी वर्तमान परिधि में बिखरे हुए हैं और 28 सितंबर के आसपास मेतई गांव पर कई समन्वित हमले करने की उम्मीद है। हस्ताक्षरित प्रति पर तत्काल अंकित था तथा पुलिस विभाग से सभी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया था। इस पत्र ने आम जनता में तनाव पैदा कर दिया है, लेकिन मीडिया ने मुख्यमंत्री के सचिव एन जोफ्रे से संपर्क करके इसकी सत्यता की पुष्टि करने की कोशिश की। अगर कोई जवाब मिलता है तो इस रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा। शुक्रवार को धौबल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर वाला एक मुहरबंद नोटिस सहायक पुलिस अधीक्षक SSP ऑपरेशन धौबल और अन्य को भेजा गया, जिसमें उन्होंने मंगलवार को सहायक पुलिस महानिर्देशक SDGP कानून और व्यवस्था के कार्यालय से प्राप्त हुई खुफिया सूचनाओं के बारे में सचेत किया गया। यह संचार, जो संभवतः मीडिया में लीक हो गया था, को
गुप्त और सबसे तत्काल के रूप में चिन्हित किया गया था। इससे पहले जुलाई में मणिपुर मानवाधिकार आयोग MHRC ने मणिपुर के DGP राजीव सिंह और सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह को राज्य सरकार की खुफिया रिपोर्टों के बावजूद जून में जिरीबाम जिले में हिंसा को रोकने और समय पर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए नोटिस जारी किया था। इस बीच कुकी छात्र संगठन KSO ने शनिवार को एक प्रेस बयान जारी कर कुलदीप सिंह के दावों को प्रचार अधिक और तथ्य कम बताया। इन चिंताओं को अफवाह बताते हुए KSO ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री के सचिव के हस्ताक्षर वाला पत्र वास्तविक होता तो सुरक्षा सलाहकार और अन्य सुरक्षा प्रतिष्ठानों को मुख्यमंत्री के सचिव द्वारा दी गई जानकारी से अवगत होने से पहले ही इसकी जानकारी हो जाती है। KSO ने सवाल किया, अगर यह असली था तो राज्य के सुरक्षा सलाहकार सुरक्षा प्रतिष्ठान में इसके बारे में जानने वाले आखिरी व्यक्ति कैसे हैं। प्रचार प्रसार पत्र के वायरल होने के 4 दिन बाद KSO ने आरोप लगाया कि राज्य सुरक्षा सलाहकार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस दबाव में की गई थी। सिंह के इस्तीफे की मांग करते हुए KSO ने कहा कि घुसपैठियों की संभावित उपस्थिति उनके पर्यवेक्षण में सुरक्षा चूक का संकेत देती है। ड्रोन रोधी प्रणालियां तलाशी अभियान। SOG की बैठक में सितंबर की शुरुआत से जातीय संघर्ष में ड्रोन रॉकेट और मिसाइलों के इस्तेमाल पर चर्चा की गई। इसमें सेना असम राइफल के अर्धसैनिक बल के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF और मणिपुर पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। सिंह ने संवाददाता सम्मेलन बताया, रॉकेट का आकार 9-10 फीट से कम नहीं है और इसका वजन लगभग 24-25 किलोग्राम है तथा पाइप का व्यास भी काफ़ी बड़ा है। 6 सितंबर को विष्णुपुर जिले में मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय मेरम्बम कोइरेंग सिंह के घर पर एक रॉकेट गिरने से 70 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। सुरक्षा बल किसी भी ड्रोन या रॉकेट सिस्टम के परिवहन की जांच के लिए ग्राम परिषदों के साथ समन्वय कर रहे हैं। कुलदीप सिंह ने आगे बताया कि जब्त हथियारों में 3 फटे हुए रॉकेट और 1 बिना धागा हुआ रॉकेट शामिल है और निर्माण स्रोत का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। सिंह ने कहा, कोई रॉकेट 1 या 2 किलोमीटर तक ले जा सकता है, लेकिन उससे आगे जाने के लिए मध्यम आकार के वाहन की ज़रूरत होगी। इस बीच जमीन पर तैनात बलों को परिवहन के किसी भी प्रयास पर नज़र रखने के लिए दूरबीनों से लैस किया गया है। सिंह ने कहा कि सीमा पुलिस और असम राइफल को सतर्क कर दिया गया है तथा चौरा चांद पर तेंगनोपाल, कामजोंग, उखरूल और फिर जाबल जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा ड्रोन रॉकेट और मिसाइलों के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल तथा पाइप विस्फोटक और बम सहित हथियारों के भागों की तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाया जाएगा। सिंह ने बताया, पहाड़ी की ओर 5 किलोमीटर के दायरे में तथा घाटी की ओर काफ़ी गहराई में स्थित सभी संपर्क सड़कों और गांव की भी जांच की जा रही है। सेना और असम राइफल भी CRPF के साथ मिलकर ड्रोन रोधी उपाय अपनाएंगी। सफोगिंग सहित ड्रोन रोधी पहचान प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंह ने कहा कि राज्य में ड्रोन रोधी अभियान शुरू होने के बाद से अब तक एंटी ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम के जरिए लगभग 15 से 17 ड्रोन को जाम चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा, एक ड्रोन का पता लगाया गया लेकिन उसे बरामद नहीं किया जा सका क्योंकि वह घने जंगल वाले क्षेत्र में पहाड़ियों में गिर गया। ड्रोन उड़ाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP और आवश्यक मंजूरी पर चर्चा की गई ताकि सुरक्षा बल ड्रोन रोधी प्रणालियों को आसानी से संचालित कर सकें। इसके अलावा सड़क और रेलवे सहित सभी निर्माण परियोजना स्थलों पर
विस्फोटकों की जांच की जा रही है। पिछले साल मई में भड़की हिंसा के बाद से अब तक करीब 533 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से कुछ ने NH37 इम्फाल सिल्वर वाया जिरीबाम पर मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला किया था। सिंह ने बताया कि अब तक सुरक्षा बलों ने 468 बंकर नष्ट कर दिए हैं। राज्य शस्त्रागारों से लूटे गए 6000 हथियारों में से कुल 2681 हथियार जब्त और बरामद किए गए हैं। सिंह ने बताया कि बरामद हथियारों में से केवल 1200 लूटे गए थे। उन्होंने कहा कि 1400 हथियार जो लूटे नहीं गए थे उनमें से 800 अति आधुनिक हैं। इस बीच सुरक्षा बलों द्वारा पूरे राज्य में नियमित तलाशी अभियान और अक्षेत्र वर्चस्व चला जा रहा है। शुक्रवार को पहाड़ी और घाटी जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों की संयुक्त तलाश अभियान के दौरान इम्फाल पूर्वी जिले के बोनजांग से 28.5 किलोग्राम वजन के साथ IED और अन्य सामान बरामद किए गए। ये बहुत ही भयंकर दुर्घटना की तरफ संकेत करता है। भारत सरकार को सावधान हो जाना चाहिए। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों।